तो राजस्थान में नए सीएम की तस्वीर साफ होने के बाद अब मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो की रेस शुरू हो चुकी है। नई सरकार के मंत्रिमंडल में 30 से 35 दावेदार नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा जैसे नए चेहरे को चुनकर सबको हैरान कर दिया था, कुछ ऐसी ही झलक मंत्रिमंडल में भी देखने को मिल सकती है। मंत्रिपद की रेस में कई नए और चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। पार्टी सूत्रों से खबर है कि राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों के साथ इस बार नए चेहरों को भरपूर अवसर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में भी संघ से जुड़े विधायकों को ज्यादा मौके मिलने की संभावना है। नई सरकार में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम सहित 3 जगह भर चुकी है। पहले चरण में राजस्थान को 18 से 20 मंत्री मिल सकते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं। इसमें से आधे कैबिनेट और आधे राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए मंत्रियों को पोर्टफोलियो का को डिजाइन करने के लिए तमाम जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर अब मंथन चल रहा है। यानी कुल 27 विधायकों को अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो का बंटवारा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जहां जहां पार्टी का कमजोर प्रदर्शन रहा है, वहां वहां बीजेपी का ज्यादा फोकस रहेगा। साथ ही संबंधित संसदीय क्षेत्र के को साधने के लिहाज से पोर्टफोलियो को डिजाइन किया जाना तय है। इस बार के चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के पास सबसे ज्यादा विधायक एससी से हैं, जिसको देखते हुए राज्य में एससी वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जो दूदू से चुनाव जीते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा राजपूत विधायक जीते हैं, जिसके लिए जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो में भी जातीय समीकरणों का संतुलन बनाया रखा जाएगा। एससी एसटी राजपूत जाट और ब्राह्मण विधायक इस बार सबसे ज्यादा हैं। भाजपा के वोट बैंक कहे जाने वाले वैश्य समाज और ओबीसी समाज से आए विधायकों को भी मंत्रिमंडल में सही अनुपात में अवसर मिलने की संभावना है। लेकिन सबकी निगाहें इस बार उस व्यक्ति पर टिकी है जिसको राजस्थान का गृह मंत्रालय मिलेगा। दरअसल इस बार राजस्थान में भाजपा की सॉफ्ट पॉलिटिक्स का चेहरा रही वसुंधरा राजे का नेतृत्व समाप्त हो चुका है। सूबे में नई सियासत की अगुवाई अब नए सिरे से नए चेहरों के साथ होनी है। ऐसे चेहरे जिनकी हिंदूवादी नेता के तौर पर भी छवि रही हो, बस ऐसे ही हिंदूवादी चेहरे को गृह मंत्री बनाकर बीजेपी दाव खेलना चाहेगी, क्योंकि यही फैसला पार्टी को लोकसभा चुनाव में मील का पत्थर लग रहा है। बाबा बालकनाथ और डॉक्टर किरण लाल मीणा का नाम गृह मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इसके अलावा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी नाम चल रहा है। बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय के मठाधीश हैं और हिंदू समाज का एक बड़ा श्रद्धालु वर्ग भी उनसे जुड़ा है। डॉक्टर किरण लाल मीणा राजस्थान की सियासत का जाना माना और बहुत सक्रिय चेहरा है, जो विपक्ष में रहकर कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेराबंदी करते रहे। कहते हैं कि आला कमान भी उनके आक्रामक अंदाज से खुश हैं। अभी हाल ही में पेपर लीक स्कैम और अन्य मामलों को चुनावों में मुद्दा बनाकर मीणा ने पार्टी को मजबूती भी दिलाई थी। चलिए नजर डाल लेते हैं उन नामों पर जो नए मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो की दौड़ में संभावित है। तो महंत बालकनाथ, डॉक्टर किरण लाल मीणा, विश्वराज सिंह मेवाड़, महंत प्रतापपुरी, मदन दिलावर, जितेंद्र गोठवाल, जेठानंद व्यास, गोपाल शर्मा, जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, नौक्षम चौधरी, दीप्ति किरण माहेश्वरी, छावर सिंह खर्रा, अनीता भदेल, जवार सिंह बेडम, हंसराज पटेल, पब्बा राम बिश्नोई, हीरा लाल नागर, संजय शर्मा, जयदीप बियाणी और उदयपुर से ताराचंद जैन के नाम इस रेस में चल रहे हैं। ज्यादातर नामों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। चुनावी चर्चा में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।